नमस्कार, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुए का रायता। वैसे तो रायते कई तरह के बनते हैं, गाजर का हो गया, बथुए का हो गया, बूंदी का रायता हो गया, सेब का रायता हो गया और मखाने का रायता हो गया। रायते कई तरह के होते हैं और सबका अपना अलग अलग स्वाद होता है। तो आज हम बनाते हैं बथुए का रायता। बथुए का रायता बनाने के लिए मैंने ये एक गुच्छी बथुआ लिया था, जिसको मैंने साफ करके मोटा मोटा कट कर लिया है और इसको धो करके अच्छी तरह से साफ किया है। और ये मैंने एक कटोरी गाढ़ा दही था, जिसको फैट करके इसको एकदम ऐसे पतला छाछ कर लिया है इसका। आप चाहे तो छाछ भी ले सकते हैं, लेकिन छाछ हमें एकदम गाढ़ा छाछ चाहिए। और ये एक हरी मिर्च ली है, दो तीन कली मैंने लहसुन के लिए। आप लहसुन अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं डालिए। मसालों में मैंने ये पीली मिर्च ली है, थोड़ा सा हमने काला नमक लिया है और सफेद नमक लिया है। तड़के के लिए मैंने जीरा लिया है और एक पिंच हींग लिया है। तो सबसे पहले हम बथुआ जो है मैंने ये साफ कर लिया, इसको हम बॉयल करेंगे। तो मैं इसको बथुए को कुकर में डाल करके बॉयल करूंगी और इसी में मैं जो ये मैंने लहसुन है और इसको भी हम इसी में डाल देंगे और जो ये एक मिर्च ली है इसको भी हम इसी में डाल देंगे और डाल करके हम इसको एक सीटी में बॉयल करते हैं। ये हमारा बथुआ मैंने इसमें एक ही सीटी लगाई थी और ये देखिए हमारा बथुआ उबल गया है और इसी में ये लहसुन और जो हमने हरी मिर्च डाली थी वो भी गल गई है। तो अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सी में मोटा पीसेंगे। एकदम से चटनी की तरह नहीं पीसना है इसको, बहुत ही मोटा पीसना है। तो इसको भी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। बथुआ ठंडा हो चुका है और अब हम इसको जार में डालेंगे। और मोटा ही पीसेंगे इसको। थोड़ा सा पीसेंगे और फिर इसको देखेंगे, चलाएंगे इसको। अभी थोड़ा सा और पीसना है। एकदम इसको चटनी नहीं पीसनी है, इसके एकदम ऐसे इतना मोटा हमें चाहिए। देखिए जो हमारे जो लहसुन और जो मिर्च डाली थी हमने वो भी इसके साथ पीस गया है। और अब हम जो ये पेस्ट है हमारा, हम अपने जो ये हमने जो दही थी इसको फैट लिया है और अब हम इस पेस्ट को इसमें मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसमें। ये देखिए, और अब हम इसमें एक एक करके जो हमारे ये मसाले हैं, मिर्ची है, मिर्च डालेंगे, काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा सफेद नमक डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा रायता हो गया है तैयार और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए हम जो ये मैंने ये चमचा लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई में भी तड़का लगा सकते हैं। मैं ये चमचे को गरम करूंगी। ठीक,
चमचे में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इसको एकदम गरम कर लिया है, तेज गरम हमें धुआं निकल रहा है। और अब हम इसमें जो ये हमने जीरा है ये डालेंगे और हींग डालेंगे, इसको ये देखिए ये जो है हमारा तड़का, इसमें हम डायरेक्ट छोड़ करके और इसको बंद कर देंगे देखिए। और अब इस तड़के को हम पूरे रायते में अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा बथुए का रायता बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो अब आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे बताइए।